नमस्कार। आज मैं एक और नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, चमकी बुखार, जिसे इंग्लिश में वायरल इनकेफ्लाइटिस कहते हैं। देखिए, ये वायरस डिजीज़ है और ये कॉन्टेजियस है, एक से दूसरे को होती है। और इस ये वायरल कई किस्म के वायरसेस हैं जो इस बीमारी को कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि वायरल जो सिम्प्लेक्स है उससे ये ज़्यादा होता है, या मीज़ल्स वायरस हैं, और उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी लेती है। इम्यूनिटी लेवल कम किन की होती है? जो छोटे बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उन लोगों में ये रोग पाया जाता है। होता क्या है कि किसी भी वजह से अगर ये वायरस आपकी बॉडी में चला गया, वो बाद में चर्चा करेंगे किस किस वजह से अंदर बॉडी में चला जाता है, तो वायरल इन्फेक्शन हो गया, बॉडी में रिएक्ट करेगी और उससे फीवर होगा। अगर आम तौर पे वायरल फीवर्स ठीक हो जाता है, बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, उससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में इम्यूनिटी कम होने की वजह से कभी कभी ये ब्रेन के पैरेन्काइमा पर भी असर कर देता है। तो ब्रेन में जब ये वायरसेस पहुंच जाते हैं तो वहाँ की जो पैरेन्काइमा में वहाँ के सेल्स जो हैं वहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्वेल कर जाता है, सूज जाता है। अब सूजन आ जाने से ब्रेन का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, उसकी सारी मैकेनिज्म ठप पड़ जाती है। जैसे आपका कंप्यूटर में वायरस आ जाए और फिर वो काम नहीं करता, इसी प्रकार से ईश्वर ने भी हमारा ब्रेन जो है एक कंप्यूटर ही बनाया हुआ है। जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है किसी भी वजह से, वैसे और भी बहुत सारे रोग होते हैं जिसमें स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन इस चमकी बुखार में भी वो स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आ जाने से क्या है, छोटा बच्चा, उसको बोला तो जाता नहीं उससे, तो वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, और उसकी वजह से फिर उसको वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, खाना खाना भी बंद कर देता है, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, बहुत की जो है ये अपनी गर्दन की अकड़ जाती है, कमर अकड़ जाती है, उसको कन्वल्शंस आने शुरू हो जाते हैं, और जो थोड़े और बच्चे बड़े हैं उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, वो एक लेथार्जिक से बेड पे पड़े रहते हैं, और फोकल पैरालिसिस भी हो जाती है, और मतलब बिल्कुल वो धीरे धीरे कोमा में चले जाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। सेम वे यही घटना, यही ऐसा बड़ों में भी होता है, उनमें भी यही सारा मैकेनिज्म, इसी प्रकार से उनके भी साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। अच्छा, अब बात आती है इनका ट्रीटमेंट की बात। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई एलोपैथी में दवाई नहीं है, यहाँ तक कि हम कहते हैं कि किसी के पास भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, क्योंकि अगर होगी तो एलोपैथी उसको ज़रूर अपना लेता है। ये ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक में कोई मेडिसिन है या और किसी ब्रांच में ऐसी मेडिसिन है जो फ़ायदेमंद है, उसका अप्रूव, क्लिनिकल अप्रूव होके वो ज़रूर अडॉप्ट कर ली जाती है, लेकिन ऐसी मेडिसिन अभी तक पूरे वर्ल्ड में नहीं बनी जो वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट और ख़ास तौर पे चमकी बुखार के अगेंस्ट पूरा काम करे। केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, बुखार आया हुआ है ज़्यादा, बुखार की दवाई दे देते हैं, उल्टी है, उल्टी की दवाई दे देते हैं, अगर उसको बच्चे या बड़े बूढ़े को कन्वल्शंस आ रहे हैं, कन्वल्शंस की दवाई दे देते हैं, और अगर सिर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है तो उसकी दवाइयाँ चल जाती हैं, और ये सारे पहले टेस्ट करके फिर उसके बाद पूरा लंबर पंक्चर से निकाल के देखा जाता है, एमआरआई किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, ब्लड चेकिंग की जाती है कि उसके कौन कौन से पैरामीटर्स काम कर रहे हैं, उन सब को देखते हुए फिर इसकी दवाई, इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। बाकी पेशेंट की असली किस्मत होती है कि कौन बच जाएगा और कौन हमसे दूर हो जाएगा। तो ये चमकी बुखार के बारे में है। अब इसके जो हमें मेन चीज़ है, इससे बचना कैसे चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसे बचा कैसे जाए। होता क्या है, ये कॉन्टेजियस है, एक से दूसरे को लगती है। सपोज़ एक बच्चे को चमकी बुखार हो गया, उसे खांसी आ रही है, क्योंकि लंग्स में भी असर आता है, पूरी बॉडी के हर अंग में असर आता है। जब खांसी आएगी तो उसके साथ थूक के छोटे छोटे कण जो हैं वो वायुमंडल में फैलेंगे। उस वायुमंडल में अगर कोई जिसकी इम्यूनिटी लेवल कम है या कोई छोटा बच्चा उसके कॉन्टैक्ट में आया, तो वो क्या होगा, वो वायरस उसके शरीर में सांस के ज़रिए चला जाएगा, फिर वो वायरस वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ फिर 7 और 10 दिन के बाद उसे बुखार आ जाएगा, और फिर वही लक्षण उसको शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। किसी में इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो बच जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है
वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण क्या है, सपोज़ उस बच्चे के चम्मच है, कटोरी है, गिलास है, उसका हैंडकरचीफ है, उसका टॉवल है, उसका नैपकिन है, उसका टिश्यू पेपर है, सपोज़ वो किसी और ने इस्तेमाल कर लिया, उसको भी फिर आ जाएगा। तो इसके लिए बेटर ये है कि हमें कुछ तरीके कम से कम अपना लें जिससे कि हम इससे बच सकें। पहला तरीका तो यह है कि अपने हाथ हमेशा दिन में 4-5 बार पानी से और साबुन से धोइए। दूसरा, कभी भी अपने हाथों को नाक पर, मुंह पर, आंख पर ना लगाएं, कम से कम हाथ जो है इंच इस जगह पे पहुँचे। तीसरा, हमें कोई भी जिस मरीज को देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं, उसके किसी भी बर्तन को, किसी भी उसके काम में आने वाली चीज़ को हाथ ना लगाएं। तीसरा, कॉमन प्लेसेस पे टॉयलेट्स होते हैं। आप देखिए टॉयलेट सबसे कॉमन प्लेसेस पे कितने लोग जाते हैं, वहाँ कितने उसके दरवाजे का हैंडल भी टच करते हैं, अंदर बाथरूम भी इस्तेमाल करते हैं, उसका भी नलके का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि उसको अच्छी तरह धो के, साबुन से हाथ धोकर, और अपना सैनिटाइज़र अपने पास हमेशा एक हर एक को रखना चाहिए, अल्कोहलिक सैनिटाइज़र, उसके आने के बाद अपने हाथ हमेशा उससे साफ़ कर लें, जिससे वो कीटाणु कुछ हद तक, कुछ तो समस्या हल होगी। और वैसे भी सैनिटाइज़र हमेशा हर एक को अपनी पर्स में या अपने बैग में रखना चाहिए कि जहाँ जहाँ इस्तेमाल पानी भी ना हो सके, कम से कम आप सैनिटाइज़र से इस्तेमाल कर लें। फिर कम हमें अपनी डाइट पे बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। पानी खूब पीजिए, वो फ्रूट्स खाइए जो बहुत कलर्ड हों। जितने कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, जितने हैवी कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, उन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी लेवल बढ़ाते हैं, और इससे हम बच सकते हैं। केवल एक ही रास्ता है। दूसरा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखें। मैं तो यहाँ तक लोगों को कहता हूँ कि देखिए, इतना दवाइयों पर खर्च होता है, इतना सब जगह, इतनी बीमारियों से हम कई मरीज खो देते हैं, मच्छरों की वजह से, पानी की गंदगी की वजह से कम जिस गली में आप रह रहे हैं, अगर एक अपने सभी मिलकर 50-50 रुपये, 100-100 रुपये डाल के एक स्वीपर रख लें अपने लेवल पे। हर हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं कि जो काम करेगी गवर्नमेंट करेगी, हमने कुछ नहीं करना, हम अपने घर की सफाई रखेंगे, हम नहाए धोएंगे, लेकिन गली मोहल्लों की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। कम से कम सारे मिलके अगर एक गली में 50 आदमी भी रह रहे हैं, 100-100 रुपये डालेंगे, 5,000 पर एक स्वीपर सुबह शाम आकर आपके सारी गली की साफ सफाई कर जाएगा। और देखिए, अगर कंबाइंड करें तो 5,000 रुपया पर मंथ खर्च हो रहा है। अगर सालाना खर्च 60,000 हो रहा है, लेकिन अगर 60,000 में आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे। तो इसलिए मेरा ये आपका मेरा आपसे निवेदन है कि पूरे देश में कम से कम अपने घरों के आसपास थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके स्वीपर एम्प्लॉयड करें, और जिससे कि वो साफ़ सफाई बनी रहे, और सबको ये शिक्षा दें कि साफ़ सफाई तो बहुत सी जाने, बहुत सा गवर्नमेंट का पैसा बच जाएगा, बहुत सी मदद हो जाएगी, और हम भी खुश रहेंगे, वातावरण भी स्वच्छ रहेगा, सब कुछ खुशहाली रहेगी। तो कृपा करके इस पर भी ध्यान दीजिए। बड़ा दुख हुआ कि 150 से ज़्यादा बच्चे केवल इग्नोरेंस की वजह से, केवल ना सफाई होने की वजह से, ना ध्यान देने की वजह से आज हमारे बीच में नहीं है। इसी के साथ मैंने ये एक छोटा सा वीडियो तैयार किया था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।